हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है गाइस। आज गाइस मैं आपको यूनिवर्सिटी की जो क्लास होती हैं वो कैसी होती हैं गाइस, किस तरह से कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं और किस तरह से मतलब मेंटेन होती हैं, क्या क्या होता है क्लास में। तो आज मैं आपको यहाँ की यूनिवर्सिटी में जो क्लासेज होती हैं उसका स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ, अंदर का कैसे किस तरह की क्या चीज़ें होती हैं। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ अगर आपको कोरिया आना है, जो स्टूडेंट्स कोरिया पढ़ना चाहते हैं और क्या फैसिलिटी मिलेगी उसको, तो क्लासेस में क्या क्या है, तो आपको मैं इंटीरियर दिखाऊंगा गाइस, क्लास का कैसा है क्या क्या है देखेंगे हम सभी। तो चलिए चलते हैं क्लास में। चलिए चलते हैं अंदर गाइस, ये है क्लास। जैसे ही हम गाइस अंदर आएंगे क्लास में, अभी थोड़ी सी आपको वैसी लग रही होगी, अभी क्या है कि वोकेशन है, छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए थोड़े डेस्क अरेंजमेंट में नहीं है। तो गाइस जैसे ही हम अंदर जाएंगे, क्या डस्टबिन है और ये एक्सटिंग्यूशर है जो मतलब आग वगैरह लग जाए तो बुझाने के लिए, यहाँ पे एसी वगैरह के बटन्स, एसी वगैरह है। और गाइस इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको ये यहाँ पे तीन तीन स्टूडेंट्स इस लाइन में बैठेंगे, तीन यहाँ पे बैठेंगे और उनके यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, एक यहाँ पे ये अपना कंप्यूटर वगैरह लगा के, और यहाँ से यहाँ पे आपको एक पैनल दिख रहा होगा गाइस, इस पैनल में ये HDMI वगैरह लगा के। ये एक्चुअली क्या है गाइस, जब ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है तो उस टाइम पे जो टीचर जो PPT वगैरह या फिर जो भी कुछ है वो हर डेस्क पे शेयर कर सकता है। तो जो टीचर का अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे ये टीचर का कंप्यूटर है, जो प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर का जो कंप्यूटर है गाइस ये है, तो इस तरह से ये आप यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह और ये पूरा ऐसे बंद हो जाता है। तो यहाँ से ये सारा ये ई स्टेशन है गाइस, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जैसे ही अगर हम इसको एक बार स्टार्ट करके देखें तो गाइस ये ई स्टेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये आप जितने भी ये देख रहे हैं, हर उस पे एक एक स्क्रीन है, इन स्क्रीनों से यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, जैसे खांगी सीजा खाना। तो इस तरह से जो भी मतलब प्रोफेसर के कंप्यूटर में होगा वो वहाँ पे अपना शेयर कर सकता है सभी के साथ। तो जैसे ही अभी यहाँ पे ये चला हुआ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं बच्चे अपना, वही लैपटॉप वगैरह यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग कर सकते हैं, अपना फ़ोन वगैरह चार्जिंग कर सकते हैं। और अगर हम इस तरफ देखें तो सेम है, यहाँ पे भी एक, तो एक यहाँ पे होती थी पहले और एक यहाँ पे होती थी। और ये मेरे हिसाब से अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो इसलिए डेस्क जो वो एक लाइन में लगा रखे हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे भी पहले ऐसे ही होता था और एक यहाँ पे इसके इस साइड। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आपको हर उसमें क्लास में, तो ये दरअसल ये हर क्लास में नहीं होता, क्लास का अलग अलग वो है, स्ट्रक्चर है हर क्लास का। भाई जिस क्लास में अगर ग्रुप डिस्कशन होना है तो उस क्लास को यहाँ पे लगाएंगे, तो बच्चे अपना भाई ऐसे एक तरह से शेयर कर सकते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ का बोर्ड वगैरह दिखाऊँ तो ये गाइस बोर्ड है, और अभी ये शायद जो प्रोजेक्टर ये स्टार्ट है ऊपर, तो ये प्रोजेक्टर है। और अगर आप वहाँ ऊपर देखेंगे तो गाइस एक कैमरा लगा हुआ है। तो ये जो कैमरा है, ये कैमरा कब यूज़ करते हैं, जैसे अभी कोरोना की वजह से मतलब सब कुछ स्कूल वगैरह बंद हो गए थे, तो टीचर्स क्या करते थे, यहाँ से जो लेक्चर होते थे वो इस कैमरे के द्वारा यहाँ से मतलब लेक्चर बना के अपना हमारी ई क्लास सिस्टम पे, जो हमारा इंटरनेट पे, जो हमारा स्टूडेंट का एक अलग से वेबसाइट होती है उस पे जाके फिर हम उसको देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से चलता था। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आपको कुछ एक ये दिख रहा होगा, ये देखिए सिस्को, और एक ये छोटा सा लगा हुआ है इसके साइड में। तो ये गाइस ये क्या चीज़ है, अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जो अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस हमें से मतलब प्रोफेसर ऐसे नाम लेके नहीं बोलता गाइस,
फ़ोन में एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक बार कोड आएगा, और जब मान लो क्लास 3 बजे की है तो 3 बजे के 3 बजे से वो कोड यहाँ पे बोर्ड पे आ जाएगा और हमारे को वो कोड भर देना है, या फिर जो बार कोड वगैरह होता है उस टाइप से होता है उसको, या फिर स्कैन कर ले तो उस टाइप से हमारी अटेंडेंस होती है। तो गाइस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़ा ऐसा लगेगा हाँ भाई वाओ कुछ अलग है। तो जैसी फीस लेते हैं गाइस तो उस तरह से आपको फैकल्टी अच्छी है, फैसिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, हर चीज़ आपको बेस्ट मिलेगी। तो गाइस मतलब हर चीज़ में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अभी आपको मतलब कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में सब कुछ बदल गया है। और तो और आपको मतलब आप इस क्लास में होंगे तभी आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। तो टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से आपको हर चीज़ आपको मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ अभी कोरोना की वजह से जैसे प्रॉब्लम हो गई थी क्रिएट, तो यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि क्लासेस में इन्होंने तभी ये कैमरे फिट कर दिए और अपना टीचर्स यहाँ से एज ए लेक्चर जैसे पहले देता था लगा के और उसको इंटरनेट पे डाल दिया, सब ने अपना इंटरनेट के सबके अपना यहाँ पे अकाउंट होता है सबका हर स्टूडेंट का, तो वो उसमें जाके अंदर आपको अपना ऑनलाइन सब कुछ देख सकता है। तो ऐसी कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो गाइज ये थी यहाँ का क्लास का जो व्यू, इनसाइड व्यू ऑफ क्लास। तो गाइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और नई नई चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।